आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, बहादुरपुरा एक्स रोड, रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 20 अप्रैल की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। हरमैन शरीफ़ैन इंतज़ामिया ने मस्जिद अल हराम में आने वाले बच्चों के लिए एक रहनुमा प्रोग्राम किया शुरू। प्रोग्राम के तहत मोतमरीन के हमराह मौजूद बच्चों को हुजूम में गुम होने से रोकने, रहनुमा अलामात और हाथ का कंगन किया जाता है पेश। बच्चों के हमराह मस्जिद अल हराम आने वाले अफराद ने इस नए मंसूबे पर हुकाम का अदा किया शुक्रिया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अबूधाबी में मुकीम इसराइली सफीर को किया तलब। मकबूजा बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अल अक्सा में तशद्दुद के वाकयात, शहरियों पर हमलों और मुकद्दस मुकामात में इसराइली फोर्स की दुरंदेजी पर किया शदीद एहतजाज। उन तशद्दुद अमेज वाकयात की मजम्मत की जिनके नतीजे मुतअद्दिद शहरी हुए जख्मी। रूस ने अब यूक्रेन के मशरक़ी इलाके डोनबास पर कब्जा करने कार्रवाई कर दी शुरू। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी अफवाज ने यूक्रेन के मशरक़ी इलाके डोनबास पर किए हमले, कई अफराद के हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी होने की खबर। अब रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का मुमालिक कर सकते हैं ऐलान। मेरे पास इस वक्त रहने के लिए कोई जगह नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलोन मस्क ने किया अनोखा दावा कि उनके पास अपना कोई मकान नहीं। टेस्ला के सीईओ ने एक वीडियो इंटरव्यू के दौरान कहा, मेरे पास अपना कोई घर नहीं है। पीएम मोदी मई 2022 के पहले हफ्ते में यूरोप का करेंगे दौरा। अपने 3 रोज़ा दौरे में वो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। इस साल पीएम का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा जिसमें वो डेनमार्क में होने वाली दूसरी हिंदुस्तानी नॉर्डिक समिट में होंगे शरीक। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा खतरा मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआविनत के लिए भी इसका इस्तेमाल मुमकिन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने कहा, मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रेगुलेशन ही वाहिद जवाब। बताया, अगर कोई एक मुल्क सोचता है कि वो इसे संभाल सकता है तो ये मुमकिन नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद गैर कानूनी तामीरात व तजावीजात को हटाने के नाम पर हो रही है इनहदामी कार्रवाई। तशद्दुद के मुलजमीन की मिल्कियतों पर चलाया गया बुलडोजर। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जामा मस्जिद का गेट और चबूतरा भी गिरा दिया गया। मुकामी लोगों ने इस कार्रवाई पर किया सख्त एतराज। कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ तंग नजरी जारी। कर्नाटक के वजीर तालीम ने कहा, अहम सालाना पीयूसी इम्तिहान लिखने के लिए स्टूडेंट्स हिजाब के साथ इम्तिहानी हॉल में नहीं हो सकेंगे दाखिल। तमाम स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म से मुतालिक कवायद की तामील करना ज़रूरी, हिजाब वाली स्टूडेंट्स को नहीं किया जाएगा कबूल। दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना के लिए मदद में मरकज की इम्तियाजी। मिनिस्टर किशन रेड्डी और पीएम मोदी पर तेलंगाना के मिनिस्टर के तारक रामा राव ने एक मरतबा फिर जाहिर की बरहमी। ट्वीट कर मरकज की जानिब से दीगर रियासतों और तेलंगाना को मंजूरा इदारों का चार्ट पोस्ट किया। लिखा, सरकर्दा मरकजी इदारों के क्याम में तेलंगाना से इम्तियाज। KGF 2 का कमाई मामले में बॉक्स ऑफिस पर तहलका। 4 दिनों में 550 करोड़ रुपए से ज़ायद की कर ली भारी कमाई। हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 194 करोड़ रुपए किए जमा। KGF 2 ने पहले वीकेंड में आमिर खान की दंगल व सलमान खान की सुल्तान के भी रिकॉर्ड्स कर दिए तबाह। ये थी BBN टॉप 10 न्यूज़ की 10 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।